हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद बबल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मलाई जैसा सॉफ्ट पनीर बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपका पनीर बहुत सॉफ्ट और अच्छा बनेगा। अगर आप भी इन टिप्स के साथ पनीर बनाओगे तो आपका पनीर भी बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। और सॉफ्ट मलाई जैसा पनीर बनाने के लिए मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, प्लीज़ इसको स्किप मत करें। चलो आइए, मलाई जैसा सॉफ्ट पनीर बनाने के लिए हमें क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए हम देख लेते हैं। बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 लीटर कच्चा दूध लिया है, 1 कटोरी मलाई ली है, 5 चम्मच मैंने दही ली है और 1/4 कौली, 5 चम्मच के हिसाब से 1/4 कौली दही की बनती है वो मैंने ली है। गैस को ऑन करके मैंने गैस के ऊपर दूध वाले पतीले को रख दिया है, उसमें हम जो हमने मलाई ली थी 1 कटोरी वो हम इसमें डाल देंगे। इससे आपका जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। अब हम दूध में बॉयल आने देंगे, जब दूध में बॉयल आ जाएगा तब हम इसमें दही को डालेंगे। दही सबके घर में अवेलेबल होती है इसलिए मैं आज दही से बता रही हूँ। आप दही की जगह नींबू, नींबू सत और सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। दूध में उबाल आना शुरू हो गया है, इस टाइम पे हम गैस को सिम पे कर देंगे। अगर आपका दूध थोड़ा पतला है तो आप इसको 5 मिनट के लिए सिम पे रख देना, इससे जो भी इसमें पानी होगा वो कम हो जाएगा और दूध गाढ़ा हो जाएगा। अगर फुल फैट वाला दूध है तो आप 2 मिनट के लिए सिम पर कर देना। अगर गैस को ऑन करके आप उसमें दही, नींबू, सिरका कुछ भी डालते हैं तो वो पनीर तो आपका वो निकल जाएगा पर वो हार्ड बनेगा और रबड़ जैसा बन जाता है। अगर आपने मलाई जैसा सॉफ्ट पनीर बनाना है तो आप गैस को बंद करके थोड़ा सा दूध ठंडा करके दूध का टेम्परेचर को कम करके फिर आप उसमें दही, नींबू, सिरका, सिट्रिक एसिड जो भी डालना चाहते हैं आप उसमें थोड़ा सा ठंडा करके डालेंगे। देखिए 1 मिनट हो चुका है, दूध को अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया। गैस को मैंने फिर दोबारा से फुल कर दिया। दूध में बॉयल आना शुरू हो गया, अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। इसको थोड़ा सा हिला के हम 2 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। दूध को मैंने 1 मिनट के लिए अच्छे से हिला लिया। अब हम दही को लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, अब हम धीरे धीरे करके इसको दूध में डालेंगे। ध्यान रहे गैस आपका बंद होना चाहिए, धीरे धीरे करके आप डालें और इसको धीरे धीरे करके आपने हिलाना है, एकदम से जल्दी से नहीं हिलाना। धीरे धीरे करके आप डालते जाएं और इसको हिलाते जाएं। आप देख सकते हैं थोड़ा सा दूध फटना शुरू हो गया है, इसी तरह हम धीरे धीरे करके डालते जाएंगे। ये देखिए धीरे धीरे हिलाते जाएं और ये फटता जाएगा, आप धीरे धीरे इसको डालते जाएं। दही को मैंने सारा डाल दिया, दूध फटना शुरू हो गया है। दही ये मेरी 4 दिन पुरानी दही थी क्योंकि ये खट्टी हो गई है, ताज़ी दही से जल्दी नहीं निकलेगा। अगर आपके पास थोड़ी सी पुरानी दही पड़ी है आप उससे पनीर को निकालें, जल्दी निकल जाएगा। ताज़ी दही लोगे तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, जैसे 1 कटोरी दही आपको लेनी पड़ेगी। ये देखिए पनीर निकल गया अच्छे से, आप देख सकते हैं। अब हम इसको छान लेते हैं। अब हमने एक बर्तन ले लिया, कोई भी बर्तन ले सकते हैं, थोड़ा सा डीप, उसके ऊपर हमने छन्नी को रख दिया और कोई भी एक आप मलमल का कपड़ा ले सकते हैं, उसको हम इसके ऊपर रख दें। अब हम पनीर को इसके ऊपर निकाल लेंगे। ये जो पानी है आप इसको फेंकिए मत, इसे अगर आप आटा गूंदे वक्त इसके साथ आटा गूंदोगे आपकी जो रोटी है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और आप इसको सब्जी वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं इसको फेंकूंगी नहीं, इससे मैं आटा गूंदूंगी। इस तरीके से आप सारा पानी निकाल लें, थोड़ा सा इसको प्रेस करके। ये देखिए अब हम इस बर्तन को उठा लेंगे और एक बर्तन में और हम पानी ले लेंगे, ताज़ा मैंने लिया है वैसे। आप इसमें से एक बार इसको हम दोबारा से
एक दो बार निकाल लेंगे। इससे क्या होता है, अगर हमें पनीर को स्टोर करना हो तो जो भी हमने इसमें दही नींबू डाला है वो उसका जो खट्टापन है वो सारा निकल जाता है। आप एक दो बार इसमें से पानी में से निकाल लें। अगर आपने साथ में साथ ही सब्जी को बनाना है तो फिर आप इसको चाहे मत करें, ये वाला प्रोसेस छोड़ दें। अगर आपने इसको स्टोर करके रखना है तो ऐसे करने से आपका जो खट्टापन है सारा निकल जाएगा और अच्छे से स्टोर हो जाएगा। अब इसके ऊपर वेट रखेंगे। इस तरीके से आप कोई भी प्लेट ले लें और उसके ऊपर पनीर को रख दें। इस तरीके से आप रख दें और कोई भी उसके ऊपर, जैसे मैंने ये चकले को रखा आप इसको रख दो, किसी भी बर्तन में पानी डाल के इसके ऊपर रख दो, या कोई भी ऐसे कोई चीनी वाला डिब्बा, चावल वाला डिब्बा, आटे वाला डिब्बा कोई भी है आप उसको इसके ऊपर रख दें। अब हम इसको आधे घंटे के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हम इसको चेक करेंगे। आधा घंटा हो गया है, पनीर रेडी हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। दो किलो दूध में से हमने आधा किलो पनीर निकाला है, इसका वेट हाफ केजी होगा। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा तैयार हुआ है और कितना सॉफ्ट है, ये देखिए। अब हम इसको कट करके दिखाते हैं। कट करके दिखाती हूँ मैं, आप कट करने से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना सॉफ्ट होगा, ये देखिए। पनीर बन के बिल्कुल रेडी है। आप इसके पानी से भटूरे का आटा भी गूंद सकते हैं, वो बहुत अच्छे बनेंगे। और जो पानी बचता है आप अपने पौधों को दे दें, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है पौधों की। अगर आपने पनीर को स्टोर करके रखना है तो आप कोई किसी भी बर्तन में पानी लें और इसको इसमें डिप करके रख दें। किसी भी बर्तन में पानी लेके इसको डिप करके रख दें। ये आपका एक हफ्ते के लिए पनीर स्टोर हो सकता है। सिर्फ आपने दो दिन बाद इसका पानी को चेंज करना है। ये दो एक हफ्ते के लिए बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं आएगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा आपका पनीर। पनीर रेडी है, इसको इस तरीके से हम फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। ये एक हफ्ते तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा। अगर आपको मेरी मलाई जैसा सॉफ्ट पनीर बनाने की रेसिपी पसंद आई है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।